नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों ICICI बैंक आज जिस तरह की दोस्तों इसने क्लोजिंग दी है ना, ये भले ही आपको फ्लैटी सी लग रही हो या कोई तेजी ही ना लग रही हो कई लोगों को, लेकिन इसके पीछे जो कई सारी चीजें जो पॉजिटिव चीजें हैं आज हम उसमें डिस्कशन करेंगे। प्लस क्रेडिट कार्ड को लेकर के, माफ कीजिएगा, क्रेडिट कार्ड को लेकर के जो एक बहुत ही अच्छी न्यूज आई है ICICI बैंक को लेकर के, उसमें चर्चा करेंगे। प्लस कुछ लेवल्स की बात करेंगे कि ICICI बैंक के जो कौन से वो लेवल्स हैं जो हमारी नजरों में होने चाहिए और हमें आने वाले समय में ICICI बैंक आने वाले स्तरों पर और भी तेजी दिखा सकता है। प्लस इसके साथ एक क्या जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है उन्होंने जो एक नेगेटिव चीज दी है, सिर्फ इसे ही नहीं बाकी बैंकों को, वो क्यों एक बहुत ही बड़ा कंसर्न पैदा कर रही है फाइनेंशियल शेयर मार्केट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, फाइनेंशियल शेयर्स के ऊपर, माफ कीजिएगा, नॉट फॉर शेयर मार्केट। ठीक है दोस्तों, हर एक चीज में चर्चा होगी इत्मीनान से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूंगा आपको, जैसा आप देख रहे होंगे केवल और केवल 9% ऐसे मित्र मेरे जो वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब किए हैं, बाकी 91% मेरे दोस्त जो हैं वो वीडियोस तो देख रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं किए। तो उनसे दरख्वास्त है प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो चैनल की बहुत जबरदस्त ग्रोथ होती है और हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, सीधा चलते हैं शेयर प्राइस के ऊपर। आप देखिए दोस्तों कि आज जो है ना फ्लैटिश का कारोबार किया, देखिए 0.26% की आपको इसमें तेजी दिख रही है, 0.26% की, ठीक है। लेकिन ये तेजी दोस्तों बहुत कुछ बात कर रही है, क्यों? आज के ट्रेडिंग सेशन दोस्तों इसने अपना जो 700 रुपये है ना, ₹700, इसका एक सपोर्ट को अपना बचा के रखा है। और दोस्तों 700 इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, जो ये शेयर है ना जो 706 रुपये के आसपास है, 706 से 710 रुपये, ये दोस्तों ऊपरी स्तरों में जब तक ये शेयर नहीं तोड़ेगा इसमें मुझे कोई भी एक बोलते हैं तगड़ी चीज नहीं दिखेगी। लेकिन आज का ये साइन अच्छा है कि आज के मार्केट में इस शेयर ने 700 रुपये को का जो सपोर्ट है उसे बचा के रखा है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है दोस्तों, पहले एक गुड न्यूज की बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए गुड न्यूज क्या है, देखिए ICICI बैंक इश्यूज मोस्ट क्रेडिट कार्ड्स ड्यूरिंग HDFC बैन। और दोस्तों यही कारण है कि जब HDFC के में बैन लगा था ना, तो सबसे बड़ा उस बेनिफिशियरी उस समय भी ICICI बैंक को ही कहा जा रहा था दोस्तों, ठीक है। और जब मैंने वीडियो बनाया था तब भी मैंने कहा था कि ICICI बैंक ही सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, और जो डेटा आया है, जो रिजल्ट आया है और जो ये हेडलाइन आप देख रहे हैं, ये भी यही सजेस्ट कर रहा है कि हाँ ICICI बैंक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था HDFC बैंक को लेकर के क्रेडिट कार्ड में, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है क्रेडिट कार्ड का वो HDFC बैंक को है। तो वो बैन हुआ था, आप देखिए इन दिसंबर RBI हैड बेड HDFC बैंक फ्रॉम इशूइंग न्यू क्रेडिट कार्ड टिल ग्लिचेस ऑन इट्स पोर्टल वेर फिक्स्ड, ठीक है दोस्तों। तो इसका फायदा क्या हुआ दोस्तों, इन ऑगस्ट ICICI एडेड 2,19,084 क्रेडिट कार्ड फॉलोड बाय SBI कार्ड विद 1,62,587 एंड एक्सिस बैंक एट 82,619 क्रेडिट कार्ड। दोस्तों आप देखिए जो ICICI बैंक ने है अपने पीयर से कितना ज्यादा, मतलब लगभग आप मान के लिए 60-70 हजार ज्यादा ICICI बैंक से, और लगभग दुगना मान के चलिए, दुगने से भी ज्यादा एक्सिस बैंक से ज्यादा इन्होंने कार्ड इशू किए हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो HDFC बैंक का जो बैन था वो मैंने भी आपसे मैंने पहले लास्ट वीडियो में देखे होंगे, मैंने कहा था ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ICICI बैंक के लिए और SBI कार्ड्स के लिए भी कहा था। और आप जैसा क्लैरिटी डेटा में देख रहे होंगे SBI कार्ड ने भी इसका जबरदस्त फायदा उठाया है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है एज अ ICICI शेयर होल्डर्स के लिए। अब एक नेक्स्ट चीज जो थोड़ी सी दोस्तों चिंताजनक है, आप देखिए कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज चेंज द रेटिंग आउटलुक ऑफ 9 इंडियन बैंक्स टू स्टेबल फ्रॉम नेगेटिव। दोस्तों माफ कीजिएगा, ये शायद वो न्यूज नहीं है, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। नाउ दीज लेंडर्स इंक्लूड एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक,
पंजाब नेशनल बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों ये बहुत बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज है इसके लिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर बता दूं, ये वो न्यूज नहीं थी, जो न्यूज शायद मैं आउटलेट नहीं लाया हूं, उसका आउटलेट मैं आपको जो शॉर्ट है उसमें ले आऊंगा। दोस्तों ये आईसीआईसी बैंक को लेकर के और पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर के एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है कि मूडीज जो एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है उसने अपना आउटलुक ठीक किया दोस्तों, निगेटिव से स्टेबल किया है फ्रॉम निगेटिव। ठीक है दोस्तों, बट मैं पर्सनली उतना ज्यादा एजेंसी और रेटिंग एजेंसी की नहीं मानता हूं, लेकिन हाँ ये एक पॉजिटिव चीज है और हमें ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आप देखिए जो ये न्यूज देखिए आप कोटक सिक्योरिटी की भी, कि इनका मानना है दैट बाय आईसीआईसी बैंक टारगेट प्राइसेस 725। ठीक है दोस्तों, और एक जो ट्रेडिंग आइडिया या कह सकते हैं कि एक और बात कही गई है, देखिए आप इसमें दैट जिसमें बाय आईसीआईसी बैंक टारगेट रुपीज 780 रुपए का दोस्तों टारगेट की यहां बात की जा रही है। ठीक है, आप देखिए इसमें आगे लिखा है दैट ICICI Bank broke its all-time high recently. The stock has taken support at its 55-day EMA and has given daily candle breakout near 680. और दोस्तों 680 ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा सपोर्ट है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। 680 अगर टूटता है गिरावट बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है, but near term में 680 तोड़ना ICICI Bank के लिए थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे, और खास करके जब जब ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने जो पूरे बैंक सेक्टर है उसकी जो आउटलुक है उसे स्टेबल कर दिया फ्रॉम नेगेटिव। नाउ इट मेड अ हाई अराउंड द लेवल ऑफ रुपीज 717 आफ्टर सम रिट्रेसमेंट गेटिंग द सपोर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन एंड ईएमए लाइन। द स्टॉक रिमेन इन द बुलिश जोन। वी हैव ऑब्जर्व मोमेंटम इंडिकेटर लाइक एमएससीडी एंड आरएसआई इंडिकेटिंग दैट द मोमेंटम इन द स्टॉक इज लाइकली टू कंटिन्यू। We recommend a buy on ICICI Bank above rupees 704 with a target of rupees 780. Traders are advised to maintain a stop loss of rupees 670. तो दोस्तों जैसे कि आज इसमें बताया था 700 रुपए का एक तगड़ा सपोर्ट लिया हुआ है, और जब तक दोस्तों ये 704 की बात कर रहे हैं, बट मुझे लगता है 706 रुपए को ये जब तक क्लोजिंग बेसिस के ऊपर बंद नहीं होता, और अगर बंद नहीं भी होता, अगर आपको एक ट्रेड बनाना है, आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिख सकता है, दिख रहा है, तो आप यहां पे एंट्री ले सकते हैं, बट विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 670 से लेकर के दोस्तों 680, इसको याद रखिएगा, इसके बीच एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको जरूर लगा के रखना है दोस्तों। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के ये जबरदस्त न्यूज दोस्तों, तीन ठो, और जो आईसीआईसीआई बैंक है दोस्तों और आने वाला जो फेस्टिव सीजन है उसके मद्देनजर रखते हुए हमें ये लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक और बाकी भी बैंक्स दोस्तों आपको एक अच्छा रिटर्न आने वाले समय में दे सकते हैं दोस्तों। और जो तरह के ट्रेडिंग आइडियाज थे मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, वो आपको दोस्तों खुद भी रिसर्च करनी है, क्योंकि ये कोई बैंक और सेनी की डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जो मैं आर्टिकल्स देखा हूं, वो आपके सामने मैंने रखे हैं। आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले दोस्तों अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी है, ये प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो था दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तुरंत लाइक करें दोस्तों, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।